टू संगीत प्रवाह एपिसोड 33 यानी कि 33वां में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम देखेंगे राग भीम पलासी, जो कि थाट काफी पर आधारित होगी। थाट भैरव पर आधारित राग कालिंगड़ा हमने 32वें एपिसोड में देखी थी, तो पिछले एपिसोड्स की तरह इस एपिसोड में भी वही ऑर्डर रहेगा, लक्षण गीत परिचय आगे जैसे पहले था। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम लक्षण गीत जो कि होगा त्रिताल मध्य लय में, आइए देखते हैं। जब काफी के मेल में आरोहन रेधत्या तृतीया प्रहर दिन गणिको चतुर मिलावत रागिनी भीम पलासी कहावत आरोहन में रिधा न लगावत सुरवादी मध्यम को बनावत समय तृतीय पहर दिन कहावत। तो ये था हमारा लक्षण गीत, और इससे पहले जो मैंने दोहा बोला था वो था जब काफी के मेल में आरोहन रिध त्याग तृतीय प्रहर दिन गनी कोमल मानत मस संवाद। तो इस दोहे के माध्यम से इसका परिचय देखें तो इस राग का नाम है भीम पलासी, थाट काफी पर आधारित, वादी इसका शुद्ध मध्यम और संवादी इसका सा यानी कि षड्ज, जाति होगी इसकी औड़व संपूर्ण, समय गायन वादन का दिन का तृतीय प्रहर यानी कि तीसरा प्रहर, न्यास के 3-4 स्वर हैं इसके, सा कोमल ग म और प, संप्रकृति राग यानी कि सिमिलर राग इसकी बागेश्री है, स्वर इसमें ग नी कोमल लगते हैं और आरोह में रे ध वर्जित है व अवरोह में संपूर्ण, इसीलिए इसकी जाति औड़व संपूर्ण है। जैसा कि हमने अभी इसमें देखा कि संप्रकृति राग इसकी बागेश्री और बागेश्री है भीमपलासी की, तो इसमें कुछ समानताएं कुछ विभिन्नताएं हैं, तो उन दोनों की एक बार तुलना देखेंगे हम। तो इनकी समानताएं बड़ी ही सिंपल सी हैं, ईजी सी, देखते हैं कि दोनों का थाट काफ़ी है, दोनों में गनी कोमल है, अन्य स्वर शुद्ध लगते हैं, दोनों में मवादी, दोनों का सा संवादी, दोनों की जाति औड़व संपूर्ण, दोनों रागों में साम की संगति बार बार दिखाई जाती है, दोनों रागों में बड़ा ख्याल छोटा ख्याल और तराने सब गाए जाते हैं,
दोनों का चलन तीनों सप्तकों में अच्छी प्रकार से होता है। तो ये तो हो गई इसकी सिमिलैरिटीज, कुछ समानताएं। कुछ विभिन्नताएं इन दोनों रागों में है। देखेंगे कि भीम पलासी के आरोह में धैवत वर्जित है और पंचम प्रयोग किया जाता है। धैवत वर्जित है और पंचम प्रयोग किया जाता है, कैसे? ये था भीम पलासी। और इसके विपरीत यानी इसके अगर उल्टा देखें इसमें, तो बागेश्री में आरोह में पंचम वर्जित है और धैवत प्रयोग किया जाता है, जैसे ग म ध नि स नि ध म ग रे सा। यहाँ हमने देखा कि हमने बागेश्री के आरोह में पंचम वर्जित किया, ग म ध नि सा लिया, और लेकिन धैवत का प्रयोग किया, ग म ध नि सा। और भीमपलासी में निसा ग म प धैवत वर्जित करके हमने पंचम लगाया है। तो भीमपलासी का गायन वादन समय दिन का तीसरा प्रहर और बागेश्री का रात्रि का दूसरा प्रहर है। ये इसका दूसरी भिन्नता थी। कुछ विद्वानों के मतानुसार देखें तो भीमपलासी दो रागों का मिश्रण है और बागेश्री एक स्वतंत्र राग है। भीमपलासी में जैसे नाम से हम देख सकते हैं भीम और पलासी, ये दो रागें होती हैं, इनका मिश्रण है इस राग में, लेकिन बागेश्री एक स्वतंत्र राग है। अगला देखें तो भीमपलासी में पंचम का प्रयोग स्वतंत्र होता है, जैसे ने सा ग म प नि सा, यहाँ हमने पंचम स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया, लेकिन बागेश्री में इसकी स्वतंत्रता सीमित हो जाती है, यानी वक्र प्रयोग होता है बागेश्री में पंचम का, कैसे देखते हैं। ग म द नि सा नि द म प ल ग रे सा, यहाँ पंचम वक्र प्रयोग हुआ है, स्वतंत्र नहीं लगा। अगला देखें तो बागेश्री के न्यास के जो स्वर हैं उसमें धैवत और मध्यम आता है, लेकिन भीमपलासी का मध्यम और पंचम आता है, धैवत नहीं आता है। अगला और आखिरी पॉइंट है इसका कि बागेश्री के चलन मंद्र धैवत से शुरू होता है, जैसे धने सा मग मदने सानि दम पदगर सा, यहाँ हमने ध से चालू किया मंद्र धैवत धने सा, लेकिन भीमपलासी में देखें तो निषाद से चालू होता है मंद्र से, कोमल निषाद। निषाद से चालू किया। तो समानता और विभिन्नता यहाँ खत्म होती है। तो इसके आगे हम देखेंगे इसका स्वरूप, यानी कि आरोह अवरोह पकड़ स्वर विस्तार स्वर संगतियाँ। आइए देखते हैं आरोह। निसा ग म, म के बाद एक कॉमा है क्योंकि म इसका वादी स्वर है। प प पे टिकाव है, निसा ग म कॉमा प कॉमा निसा। कॉमा से पहले ज्यादा पॉज ना दें, हल्का हल्का दें, लेकिन जहां कॉमा है वहां ज्यादा पॉज दें। तो आरो एक और बार देखेंगे इसका पॉज के साथ। निसा ग म
देखते हैं इसका स्वर विस्तार, लेकिन उससे पहले कुछ मुख्य प्रमुख स्वर संगतियां देखते हैं। Sagama pani da pa, pani pa.
ma ga re sa ni sa ni sa ba ma ba ma ga ma ba ma ba ma ga ma ga re sa ni sa ni sa ga ma ma ga ma ma ga ma ga re sa ni ni sa ga ma ba 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 ma 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 ba ga ma ga ma ga ma ga re sa ni sa ma ba ma ba ga ma ga ma ga ma ga re sa ni sa ni sa ga ma ba ga ma ba ni ba sa ni sa ni ga ba ga ma ba ga re sa ni sa ga ma ba ma ma ga re sa ni sa. तो आइए देखते हैं इसका सरगम गीत झपताल मध्यलय में होगा, देखते हैं। धन ना धन धन ना धन ना धन छोटा ख्याल जो कि होगा त्रताल मध्यलय में, आइए देखते हैं। धा धेन धेन धा धा धेन धेन धा धा धेन ता ता धेन धा धन 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 भीम पर सेवा
gama ba gama ba gama ba gama ba da 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 Bye.
Dale, 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 dale
तो ये था इसका छोटा ख्याल और कुछ आलापतान। तो आइए देखते हैं इसी राग में एक सुगम रचना यानी कि एक भजन जो कि लिखा गया है मीराबाई जी द्वारा और कंपोज किया गया है पंडित अवध किशोर जी पांडे द्वारा। आइए देखते हैं। बोल हैं रे मन परसी हरि के चरण।
अंत में देखेंगे इस राग में कुछ फिल्मी सॉन्ग्स। पहला है एरी मैं तो प्रेम दीवानी, एरी मैं तो प्रेम दीवानी, नवबहार फिल्म 1952। दूसरा एली रे एली, फिल्म यादें 2001। तीसरा दुनिया से जी घबरा गया, दुनिया से जी घबरा गया, फिल्म लैला मजनू 1953। चौथा है आ नीले गगन तले प्यार, आ नीले गगन तले प्यार, फिल्म बादशाह 1956। धन्यवाद इस एपिसोड का देखने का। तो अंत में ये बताना चाहूँगा कि अगर इस एपिसोड में आपको कोई भी परेशानी कोई प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9828494611। एक और बार बोलता हूँ 9828494611।